आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। किसानों के प्रदर्शन को आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं, क्योंकि कृषि कानून बिल के विरोध में लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। आज 6 महीने पूरे होने की वजह से आज इन्होंने ब्लैक फ्लैग डे मनाया जा रहा है, और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुतला भी दहन किया गया है, केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। और हम आपको पोस्टर दिखाते हैं कि किस तरीके से ब्लैक जो पोस्टर है वो यहाँ पर लगा रखे हैं। इनकी मांग यही है कि जो ये काले कानून, जो कृषि कानून है, ये वापस हो। यहाँ किसान भी इकट्ठा है हमारे साथ। सर, मकसद क्या है आज जो ब्लैक फ्लैग डे मनाने का? मकसद एक ही है कि सरकार को ये बताने का कि तुमने इस देश में सब कुछ काला कर दिया। आज बुद्ध पूर्णिमा का पवित्र दिन है और हमारा दुर्भाग्य है कि इस सरकार के रहते हुए आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमने सुबह पहले बुद्ध पूर्णिमा में बुद्ध को स्मरण किया है, बुद्ध का, और उसके बाद हमें आज काला दिवस मनाना पड़ रहा है। ये इसको आप दबाव कहें या संदेश कहें, देश के किसानों मजदूरों की सुनो, ये देश की आत्मा है, देश की आत्मा को दुखी मत करो। इन्हीं लोगों ने आपको गद्दी तक पहुंचाया है और आप लोगों की बात सुनो। लेकिन सरकार पहले ही कह चुकी है कि एक फ़ोन कॉल दूरी पर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले दौर में सरकार से बात चली, क्या लगता है कि आगे जो बात है सरकार को करनी चाहिए? 6 महीने हो गए लोगों को सड़कों पर बैठे हुए, किसानों को, तो सरकार को जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए। और अगर सरकार ये होती तो अब तक तो हल करना कर देती अब तक। और ये भी तो आखिरकार किसान भी तो एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो बिल्कुल, आपने ब्लैक कलर की पगड़ी भी बांधी हुई है, कि लगता है कि सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की गई है? सर, पूरा अपना जितना हो सकता है उतना कोशिश की गई है। बाकी सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ के बात करनी चाहिए कि भाई हल जल्दी से जल्दी किसानों को करके इन्हें घर वापसी की जाए। बिल्कुल, सरकार को जो है एक कदम आगे बढ़ के बात करनी चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। देखिए, मैं आपको बातचीत, बाकी हमारे साथियों ने, हमारे युवा नेता हैं, किसान नेता हैं, आपने बात रखी है, लोगों ने रखी है। मैं आप नहीं जानते मुझे, मैं एक गीतकार हूँ, कवि हूँ, तो मैं पूरे देश की जनता को एक बंद में आपको सुनाता हूँ, ये समझें। तो जनता को तय करना, मैं जनता को अपील कर रहा हूँ, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या के आदम खोर हो, खोलो आंखें, फंस ना जाना। पहले तो फंस ही गए हम 2014 में, कहीं आगे ना फंस जाएं। खोलो आंखें, फंस ना जाना, तुम सुनहरे जाल में भेड़िए भी घूमते हैं, आदमी की खाल में जिंदगी का गीत हो या मौत का कोई शोर हो, तय करो किस ओर हो तुम। अपनी कविता के जरिए जो है सरकार को एक जताने की कोशिश की है कि किसानों का प्रदर्शन किस तरीके से चल रहा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।